नानक देव यूनिवर्सिटी पेपर टू सेमेस्टर वन कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन क्रेडिट फोर है। एक वीक में 4 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भैया। 70 मार्क्स का है फुल पेपर, इट मीन्स 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट है। 3 घंटे का पेपर है, फुल पेपर है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में रिपीट नहीं करेंगे कि पिछली बार जो सिलेबस डिस्कस किया है वही रहेंगी। 8 क्वेश्चन आएंगे आपको टोटल स्पेसिफाई, 4 यूनिट हैं। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन, 2-2 में से 1 करना है, और हर क्वेश्चन को सब डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 पार्ट्स नहीं होंगे। जैसे डिफाइन इसको कीजिए, इसके फीचर बताइए, इसका डिफरेंस बताइए, ऐसे करके ना। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ई सेक्शन। 4 है ना, 4 में से 2-2 क्वेश्चन आए, 1-1 करना है, और 5वां क्वेश्चन चारों में से, बचे हुए 4ों में से कोई 1 करना है। तो ये इसको स्किप कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि इसी की रेपिटेशन है। अगर आपने एम अचीव करने हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन ज़िंदगी में, एजुकेशन में, स्कूल में, बच्चों के साथ, सिर्फ किताबों में नहीं। मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही है, ठीक है। इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन सेम ऐसे ही है, ये कंबाइन करेंगे। इन सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, लैंग्वेज एंड देयर इम्प्लीकेशन टू एजुकेशन। ये क्या है कि हो गया कि इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इसके ये मीनिंग बनेंगे। बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाता है, इसको ब्रीफ में करना है, ये तब मैनेज करेंगे। ऐसे ही मार्जिनलाइजेशन या इनइक्वालिटी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अमीर गरीब, सोशल इनइक्वालिटी, कि किसी को बुलाना है, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देनी, रिलीजियस इंस्टीट्यूट में एंटर कर देना है, नहीं देना है, तो ये इनइक्वालिटी की एग्जांपल्स हैं, है ना। तो लैंग्वेज के बेस पर, एक लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, दूसरी की बेइज्जती करनी है, ये गलत बातें हैं, इसको दूर करना सिखाया जाएगा। मार्जिनलाइजेशन है कि पावरलेस कर देना, किसी के साथ इनजस्टिस, किसी के राइट्स को छीन लेना, किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, रिस्पेक्ट नहीं करी, ये बिल्कुल एक्सक्लूजन है, इनक्लूसिव सोसाइटी या इंक्लूसिव एजुकेशन के बिल्कुल उल्ट। तो इन जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ ये इनको एजुकेशन में कैसे अप्लाई करना है, इनको पॉजिटिवली यूज़ कैसे करना है, अगर डाइवर्सिटी है तो पॉजिटिव डाइवर्सिटी में से क्या निकल सकता है, इनइक्वालिटी को पॉजिटिव, मार्जिनलाइजेशन को इंक्लूजन में कैसे करना है ना, इनइक्वालिटी को इक्विटी, इक्वालिटी की तरफ कैसे लेके जाना है, डाइवर्सिटी तो गुड होती है लेकिन हमें एज ए रिसोर्स कैसे यूज़ करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इसका मीनिंग और प्रोविजन एंड आउटकम, ये 2 क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जाम में। मेरी बुक में थोड़ा सा डिटेल ज़्यादा हो गई है, चलो कम कर लेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे उसको और मैनेज कर लेंगे। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का बिल्कुल सेम है। जो लिबरलाइजेशन और उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन क्या होती है उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन क्या है उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट B2, है ना। 2 साल बड़ा कर लें, ऐसे फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, रोल ऑफ रिलेटेड बॉडीज, NCERT है पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, मेरे ख्याल नहीं है, UGC है, इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस टेस्ट में हम इन थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, NCT है, NAC है, SCERT है, DITES है, जिसने ETT करवानी होती है। तो एक एक क्वेश्चन सभी पर बनता है। नॉर्मली वो को क्या होता है कि रोल ऑफ, फंक्शन ऑफ दीज, वही पॉइंट रिपीट होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। प्रीएम्बल पर क्वेश्चन आ सकता है 14 मार्क्स का, और फंडामेंटल राइट्स पर, ड्यूटीज़ पर, अलग अलग भी, साथ साथ भी। क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, क्रिटिकल जो एवेल्यूएट करते हो, क्योंकि एक प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, जब उसकी प्रैक्टिकल बात करेंगे, मैंने बुक में किया है, एक एक लाइन में एग्जांपल दी है, जहां सच जो है अखबारों को पढ़ के, जाना न्यूज़पेपर को पढ़ के बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रोविज़न, घटना उसके उल्ट घट रही है, तो क्रिटिकली, है ना, तो ऐसे एवेल्यूएट करना है। तो ये क्रिटिकल थिंकर चाहिए आप, लेकिन इजी है, थोड़ा क्रैम करना पड़ेगा, लेकिन हम कॉग्निटिविज्म से पढ़ेंगे, जल्दी याद हो जाए।
सी सेक्शन है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सपेंशन इक्विटी एंड एक्सलेंस। वेरी बहुत बड़े क्वेश्चन हैं। मैंने एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन मीन फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल्स हैं, है ना, तो स्कूल्स जो थे 2015 में कितने थे, है ना, इतने थे, 16 में कितने हो गए, इतने हो गए, 17 में, 18 में, ये एक्सपेंशन है, ऐसी बातें करनी है। तो वो डाटा है, ग्राफ बनाए हैं, अगर पब्लिशर ने दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। तो ब्रीफ में है लेकिन ग्राफ हर चीज़ के दिए गए हैं। ऐसे ही इक्विटी और एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के हमने एम सक्सेस कितनी हासिल कर ली है, इक्विटी के हमने जो जो पिछड़ गए थे, पीछे रह गए थे, जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था, जिसको एक्सक्लूड मार्जिनलाइज कर दिया था, ऊपर पढ़ के आए हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प कैसे दी है गवर्नमेंट ने, फॉर एग्जांपल गर्ल्स के लिए कितनी स्कॉलरशिप दी हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, पीएचडी में अभी जो रेगुलेशन यूजीसी की आई हैं उनमें गर्ल्स के लिए एक्सटेंशन वो ज़्यादा ले सकते हैं, बॉयज़ को नहीं उतनी मिलती, तो ऐसी प्रोविज़न है ना, कई स्कीम्स हैं ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान एंड मिड डे मील, रोल एंड प्रेजेंट स्टेटस इन स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये क्रिटिकली एवेल्यूएट किया हुआ है, कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में सारा लिखा हुआ है। इस पर कोई अच्छी बुक नहीं थी, दैट इज़ वाई मैं ये, मैंने 3 साल हो गए बुक लिखी हुई को, अगर पब्लिशर ने छाप दी तो ठीक है, नहीं तो जो आप पढ़ोगे वहाँ से पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर उसी बुक से करवाऊँगा आपको। आरटीई एक्ट 2009 है, इट्स इम्प्लीकेशन है, टीईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही ये मिड डे मील इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो एलिमेंट्री स्कूल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आरटीई नहीं है, एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, क्वालिटी टीचर रखने के लिए टीईटी का टेस्ट रखा था। यूनिवर्स नेक्स्ट है सेक्शन डी, यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन एक्सपेंशन, ऐसे ही है ना, कि कैसे हाई स्कूल जो है उनकी गिनती कैसे बढ़ी है, तो सभी वो पॉइंट, काफ़ी पॉइंट है एक्सपेंशन के। इक्विटी का है, एक्सीलेंस का है, एक्सीलेंस मीन के अब हमने क्वालिटी की बात आएगी, यहाँ देखिए ये क्वांटिटी की बात आई, क्यू टी डाल दिया, ये आएगी क्वालिटी कितनी है, स्कूल तो बच्चा चल गया, वहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी है ना, लर्नर की इनपुट कैसी है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है, यूएनओ की जो यूनिसेफ की रिपोर्ट्स है वो साथ में थोड़ी थोड़ी डिस्कस करूँगा। प्रेजेंट स्टेटस एंड रोल ऑफ रमसा, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है ये, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। पेडागोजिकल एंड करिकुलर शिफ्ट फ्रॉम NEP 86 टू 2005, वो इसका एक ही शिफ्ट का मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ हम बढ़े हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ से हम आगे बढ़ गए हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ। तो एक नया ऐड हुआ है जिसको ये रेड कलर किया गया है, इस साल ये सिलेबस में ऐड हुआ है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये ज़रूरी था, ये होना ही था, प्यारित होना ही था, प्यारित नहीं, चलो बस करो भाई। NCFT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, लेकिन अब नया 2023 में आ जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा। इम्प्लीकेशन फॉर टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो एक क्वेश्चन इसके लिए बड़ा बन रहा है, एक इसके लिए बड़ा बन रहा है ना, इम्प्लीकेशन। तो NCF के करेक्टरिस्टिक्स साथ में पूछे जा सकते हैं, यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, है सेशनल वर्क है, परफॉर्मेंस इन यूनिट टेस्ट एंड हाउस टेस्ट। हाई गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वालों, ये ज़रूर दे देना, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट नहीं तो गड़बड़ हो जाती, बेचारे टीचर क्या करें, आपको पता ही नहीं चलता हाउस टेस्ट में आप तैयारी करोगे कि कैसी लिखाई है, कैसे स्पीड है, कैसे अटैम्प्ट करते हो। अटेंडेंस 5 मार्क्स की है, बल्ले बल्ले इंडिया। असाइनमेंट्स ऑन द फॉलोइंग 15 मार्क्स की हैं, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और NCFTE 2009। ये अच्छी बात है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने की, कि ये आप क्योंकि असाइनमेंट तैयार करोगे, आपका पेपर भी साथ साथ में तैयार हो रहा है, असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बुक्स दी हुई हैं, कोई भी बुक्स पढ़ सकते हो जहाँ से आपको सुख शांति सुविधा मिलती है, है ना। तो ये वैसे सारा साथ साथ में हम करेंगे। इसका पेपर कौन सा है ये समझ लेना चाहिए,
पेपर या पंजाबी वालों पंजाबी में आ गया कहते थे, पंजाबी में नहीं आता। ये रहा सेक्शन ए, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और रह गया, ये है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 2022 में जो क्वेश्चन आया है सेम वन का, कंटेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन पेपर टू, अलाउड 3 घंटे में है, मैक्सिमम जो मार्क्स है 70 हैं, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल सेक्शन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, 5th क्वेश्चन मे बी अटेम्प्टेड फ्रॉम एनी सेक्शन, 4 सेक्शन है आप कहीं से भी 5वां कर लो, इट मीन्स 1 सेक्शन के 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। फर्स्ट है हाउ आर इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन अवर सोसाइटी हिंडरिंग, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार मैंने पेपर 5-6 सालों का एनालिसिस किया है सर, जब बुक लिखनी थी तो ये बहुत रिपीट हुआ है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन अवर कंट्री एक्सप्लेन द स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिक एंड लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट, तो ये डिलिमिट कर दिया, इट मीन्स हर आस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन हैज चेंज द होल सिनेरियो ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, होल सिनेरियो कभी नहीं चेंज होता, गप है, हाँ बिगड़ा होगा, प्राइवेटाइजेशन ने तो बिगाड़ा ही है सिनेरियो, माना बच्चे अब स्कूल ही नहीं जाते, स्कूल वाले नहीं जाते, वो कॉलेज वालों ने तो कब कब का छोड़ दिया है, 15 साल हो गए हैं ये डिटीरियोराइजेशन, लेकिन चक दे पता नहीं की चकना इंडिया दे। हैव चेंज द सिनेरियो ऑफ एजुकेशन एंड प्रेजेंट टाइम, डिस्कस इसको करना है, आपने यहाँ थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बतानी है, ये कर दिया वो कर दिया वो कर दिया, मतलब कुछ नहीं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा देने हैं यहाँ पर। सेक्शन बी है व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सिंपल है, राइट्स डिस्कस करेंगे, इनको याद करने की तरकीब के लिए वक्रे डिफरेंट वीडियोस हम मैंने दिए हैं कि कैसे उनकी जो आर्टिकल हैं उसके पार्ट्स हैं कैसे याद रखने हैं, उनको यूज़ करेंगे। व्हाट आर देयर इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, है ना, ये आधा आधा हो गया। एक्सप्लेन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन अवर कंट्री कंटेम्प्रेरी टाइम, स्ट्रक्चर कैसे है लोअर लेवल पर हाई लेवल पर, ओ एजुकेशन मिनिस्ट्री, है ना। सेक्शन सी डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मिड डे मील स्कीम इन स्टेट ऑफ पंजाब, हाउ वेल द चैलेंजेस टैकल ड्यूरिंग, तो ये मिड डे मील पर वही रहेगा स्टेटस, जो रियलिटी है दिखा देंगे, अच्छी बातें हैं काफ़ी हुई वो भी लिखी हुई हैं, जो चैलेंजेस हैं वो भी लिखे हुए हैं बुक में। व्हाट आर द वेरियस प्रोग्राम बीइंग रन इन कंट्री फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ, है ना, ये प्रोग्राम टोटल बताने, ये बहुत बड़ा आंसर बनता है इसका। सेक्शन डी है डिस्कस द रोल ऑफ रमसा इन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सपेंशन वो नंबर की बात आएगी, क्वांटिटी कितने ये बढ़ गए, है ना। तो मैंने भी डाटा 2020 तक का डाटा मिला था, कई बार 2019 का गवर्नमेंट की साइट पर भी डाटा नहीं था, जितना लेटेस्ट मिला था वो डाल दिया था, लेकिन पब्लिशर ने बुक नहीं छापी क्योंकि मैंने कई कुछ क्रिटिकल लिख दिया था, प्रीफेस जरूर पढ़ना कभी उस बुक का, नहीं तो यहाँ पर वीडियो बना दूंगा, 15 अगस्त पर बनानी थी लेकिन टाइम नहीं लगा। एलैबोरेट द पेडागोजिकल एंड करिकुलर शिफ्ट फॉर एनईपी फ्रॉम 86 टू, माय गॉड, ये देखिए शिफ्ट क्या क्या, ये बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 86 से आपको ये वाला शिफ्ट बताना है और इससे ये वाला शिफ्ट बताना है, थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, तो पंजाबी विच भी है, तुसी खुद पढ़ सकते हो, सोहनी लिखाई है, मेरी नहीं है पर जिदी भी है सोना, जिथे भी जो मिले उदा शुक्र करीदा हुंदा, सोने दा तां शुक्र करी जाईदा है, सोने दा शुक्र नहीं करांगे तो सोने किद्दां होवांगे, सोना दा शुक्र नहीं करांगे तो जीवांगे किद्दां, कोई शुक्र कर लिया करो, जिन्ना करोगे वो तो वध हो दिंदा है, आदत है उदी वंडना। थैंक यू।